मैं बहुत मतलब बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा कोशिश ये रहता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा जो है उसको समझ में आ जाए। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ इच आर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज 10 ओम है। अब 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, तो बैटरी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक, कई बार यूज हुआ है। तो अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और हर एक रेजिस्टेंस इक्वल होता है, तो अगर तुम शुरू से मेरा वीडियो सारे वीडियो देखे होगे तो तुम्हें ये सवाल तो ऐसे ही कर लोगे, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ से लगा दी। तो अगर इसकी ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, तो ये भी 10 ओम है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो कहता है कि इफ रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ 10 ओम है, और अगर बीच में भी मैं 10 ओम लगा दिया तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? अब भाई जब ब्रिज बैलेंस है, ये पी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है और ये एस होता है, ठीक है? तो हम सबको पता है कि ब्रिज इज बैलेंस, इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर अपन एस, ठीक है? तो ये 10/10 और इक्वल टू 10/10, दैट इज 1:1 ब्रिज बैलेंस है। तो ब्रिज बैलेंस है तो इसका रहना और नहीं रहना यूजलेस है, दैट इज यूजलेस। इसमें करंट जीरो जाती है, तो इसमें तो कोई करंट ही नहीं गई यार। तो जब सारे बराबर होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो आर नेट होता है, हम सबको याद होता है नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको याद कर लो, नहीं तो अगर कैलकुलेट करना चाहते तो कैलकुलेट कर लो। 10 और 10 का सीरीज में हो गया 20 और ये 10 और 10 सीरीज में हो गया 20, तो 20 ऊपर 20 नीचे, तो 20 और 20 पैरेलल में, तो 10 फाइनल सोल्यूशन हो गया।